An air chamber of volume V has neck area of cross section A into which a ball of mass m just fit and can move up and down without any friction, so that when the ball is pressed down a little and released, it executes SHM, obtain the expression of time period of oscillation assuming pressure volume variation of air to be isothermal. ओके तो देखो यहाँ पे वापस SHM पूछा है ना, तो SHM में अपने तीन कंडीशन देखी थी. क्या होना चाहिए SHM में? फर्स्ट होना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स होगा तो ही SHM होगा, राइट. ओके, दूसरा अपन ने बोला था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए. रीस्टोरिंग का फोर्स का मतलब माइनस साइन आना चाहिए. थर्ड अपन देखते हैं टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या होता है 2π रूट एम बाई के होता है, और के अपन यहाँ से निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? एफ इजिकल टू के एक्स फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ जो भी कॉन्स्टेंट आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इसमें अपन क्या देख सकते हैं, इसको जैसे ही मैं कंप्रेस करता हूँ, इसको मैं जैसे ही कंप्रेस करता हूँ तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा. तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. जैसे ही इस मास को मैं कंप्रेस करता हूँ तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा. कितना आएगा रीस्टोरिंग फोर्स, कितना आएगा उसको देखो. रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, ये तो श्योर है, इसने माइनस बोल दिया. अब कितना आएगा उसको देखते हैं. तो ये आपका आएगा फोर्स, मैं लिख सकता हूँ यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा. तो मैं लिखता हूँ चेंज इन प्रेशर इन टू एरिया, ये मेरा फोर्स लगेगा. ओके, अब इस प्रेशर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आइसोथर्मल बोल रखा है, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस पी बाई वी, या फिर लिख सकता हूँ माइनस बी बाई वी, राइट. ओके, तो यहाँ पर डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर बी के टर्म्स में लिखे तो माइनस बी बाई वी इन टू डेल्टा वी लिख सकते हैं. तो प्रेशर को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई वी इन टू डेल्टा वी इन टू एरिया. ओके, अब यहाँ पे देखो, V इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि कंप्रेस किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ. ये क्या है आपका एरिया फिक्स है, एरिया ऑफ नेक फिक्स है. तो यहाँ पे जो फिक्स क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ. ओके, चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इन टू चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ को अपन एक्स या वाई कुछ भी लिख सकते हैं. थोड़ा सा मान लो मैंने कंप्रेस किया तो ये चेंज मेरा एक्स आया, ठीक है, तो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ. तो देखो ये कितना आ गया, माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इन टू एक्स आ गया. अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेर के इज इक्वल टू क्या है, बी ए स्क्वायर बाई वी. ओके, के अपने पास मिल गया और ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है. अब अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. अब इसका मतलब ये SHM होगा. SHM होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 2π रूट ऑफ एम बाई के. एम फिक्स है और के कितना है, बी पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी. ये आ गया वी, ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड. अपने को क्या पूछा है, ऑब्टेन इस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड आ गया.